नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों मैं हूं गरिमा और आज आपके साथ शेयर करने वाली हूं बहुत ही नमकीन मूंग दाल स्नैक्स की रेसिपी। ये स्नैक्स आप टी टाइम में यूज़ कर सकते हो, ब्रेकफास्ट में यूज़ कर सकते हो, हल्के फुल्के नाश्ते में आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची एंड बहुत ही टेस्टी लगती है ये खाने में। एंड अगर आप घर की बनाई हुई स्नैक्स बच्चों को खिलाएंगे तो ये उनके लिए और उनकी सेहत के लिए भी अच्छी रहेगी और टेस्ट में भी लाजवाब रहेगी। तो चलिए सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए मूंग की जो बिना छिलके वाली दाल होती है, उसे मैंने लगभग 2 घंटे के लिए भिगो दिया है। एंड जैसे ही ये 2 घंटे तक अच्छे से भीग जाती है, उसके बाद हम इसका पानी स्ट्रेन करके इसका मिक्सी में एक पेस्ट बना लेंगे। ध्यान रखना है पानी बिल्कुल थोड़ा सा डालना है मिक्सी में। और पेस्ट मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए बिल्कुल इस तरह का पेस्ट मैंने रेडी कर लिया है। एंड इधर पर लिया है, यहाँ पर मैंने लगभग 1 छोटा बाउल बेसन, थोड़ी सी कटी हुई धनिया पत्ती, इसकी जगह पर आप सूखी जो कसूरी मेथी है वो भी यूज़ कर सकते हो, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच अजवाइन और 1/2 चम्मच चाट मसाला पाउडर। इस चाट मसाले पाउडर में मैंने थोड़ा 1/2 चम्मच जीरा पाउडर भी मिक्स कर दिया है और लगभग 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है तेल और नमक हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। तो चलिए दोस्तों बैटर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, जैसा भी बाउल आपको सूटेबल लगे आप वो बाउल ले सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले जो हमारा बैटर हमने तैयार किया है मूंग दाल का वो डालेंगे, उसके बाद बेसन डालेंगे और जितने भी हमारे मसाले हैं वो सब डाल देंगे। और इसका हमें एक डो प्रिपेयर करना है। आटे की तरह हमें इसका नॉर्मल, ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा टाइट डो प्रिपेयर करना है। और इसको तेल से हल्का सा चिकना करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। एंड 10 मिनट के बाद जब ये डो अच्छे से सेट हो जाएगा तब हम इसकी लोइयां तोड़ के जिस तरह से हम रोटी को बेलते हैं बिल्कुल उसी तरह से आटे की डस्टिंग करके हम इसको प्लेटफॉर्म पर बेलेंगे। और उसके बाद किसी भी आप कोई भी डिब्बी के ढक्कन से या कटर से इसकी गोल गोल इसे पूड़ियों के आकार में कट कर सकते हो। एंड ध्यान रखना है इन पूड़ियों के अंदर आप फोक से या किसी भी कांटे की हेल्प से आप इसमें छोटे छोटे जो छिद्र बना दें ताकि ये फूले नहीं पूड़ियाँ इस तरह से। और जो बचा हुआ आटा है उसी की भी इस तरह से पूड़ियाँ तैयार कर लेंगे। इसके बाद हमें तेल को मीडियम गर्म करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है। एंड उसके बाद हम इसमें लगभग एक बार में 8 से 9 पूड़ियाँ डालेंगे। एंड इनको बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक बिल्कुल सिम फ्लेम पर हमें इसको फ्राई करना है ताकि ये क्रंची बने, क्रिस्पी बने। तो ये देखिए बिल्कुल लाइट लाइट गोल्डन कलर में मैंने इनको फ्राई किया है एंड ये बनके बिल्कुल रेडी है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। ये टी टाइम स्नैक्स में आप यूज़ कर सकते हो, बच्चों को टिफ़िन में भी डाल के दे सकते हो। तो चलिए मैं मिलूँगी आपसे फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।